वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे साइनसॉइडल सिग्नल्स। साइनसॉइडल सिग्नल्स क्या होते हैं, उनकी इक्वेशन और उसका इंटरप्रिटेशन। साइनसॉइडल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो या तो साइन को फॉलो करते हैं या फिर कॉस को, यानी इन्हें हम लिखते हैं एक्स टी, हमारा साइनसॉइडल सिग्नल इज इक्वल्स टू या तो ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाई या फिर ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। ये सिग्नल्स कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, इनकी हेल्प से हम सिग्नल्स का एनालिसिस करते हैं। इस सिग्नल का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसमें ए ओमेगा नॉट फाई इनका क्या मतलब है? तो ए रिप्रेजेंट करता है आपके साइनसॉइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ओमेगा नॉट रिप्रेजेंट करती है आपके साइनसॉइडल सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फाई रिप्रेजेंट करता है फेज ऑफसेट को। ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमने ओमेगा नॉट लिखी है, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। फाई एक फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, जब आप सिग्नल को स्टार्ट करते हो तो वो कितने फेज के बाद स्टार्ट होता है इसका एस्टिमेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फाई। अब जैसे हमें अगर एक साइनसॉइडल सिग्नल दिया जाता है, सपोज 7 cos 500 pi t plus 30, तो इस केस में ये 30 रिप्रेजेंट करता है फेज ऑफसेट को, ये 500 पाई रिप्रेजेंट करता है ओमेगा नॉट को यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, और ये 7 रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को। ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने यहां पर कैलकुलेट की है ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट और हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच जो रिलेशनशिप होती है वो होती है 2 pi f। यहां पर f हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आपको इस कैलकुलेशन को करना है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए तो आप करेंगे ओमेगा नॉट अपॉन 2 pi, यानी आपको मिल जाएगा 250 hertz। तो ये जो साइनसॉइडल सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हो जाएगी 250। इसके अलावा पीरियोडिक सिग्नल्स में फंडामेंटल टाइम का भी कैलकुलेशन किया जाता है, जो फंडामेंटल टाइम कैलकुलेट किया जाता है बाय 1/f। तो इस सिग्नल के लिए फंडामेंटल टाइम हो जाएगा 1/250 का। तो साइनसॉइडल सिग्नल यानी वो सिग्नल्स जिन्हें हम कोसाइन या साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उनका अपना एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फेज ऑफसेट होता है, और इनका मेन यूज होता है कम्युनिकेशन के फील्ड में।